नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुद्दे तो जो आम जनता के सिर्फ यही है कि उन्हें बेसिक सुविधाएं चाहिए, अपनी बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि बेसिक नीड्स हैं, वो ही चाहिए जनता को। अगर इनके साथ एमपी चुन के आते हैं और वो जनता के बीच में आके ना कभी जनता की प्रॉब्लम सुनते हैं, ना कभी पूछते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इसलिए इनको अभी चेंज करने पड़े, अपने नए नए कैंडिडेट्स इनको लाने पड़े, क्योंकि पुराने कैंडिडेट जितने भी एमपी थे उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया, कभी आके अपनी लोकसभा में ये भी नहीं देखा कि कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम्स है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये रहता है कि जनता को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दी जाएं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सारी बेसिक सुविधाएं जो बहुत जरूरी हैं जनता की, जिसका हक है, जनता का हक है जिसपे, वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और हमारा यही मुद्दे हैं चुनाव में। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जनता का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, तो आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार जनता का हक उन्हें नहीं दे रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि इतना इतना पानी